अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। भाई हम लोग पहुंच गए हैं संडे क्रिकेट खेलने ग्राउंड, रोड पे। ग्राउंड में नहीं खेलते हम, रोड पे खेलते हैं। तो पहला मैच शुरू हो रहा है और हम लोगों ने टॉस जीता है और बॉलिंग बैटिंग करने का फैसला किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करें पहले मैच में रनजे बोर्ड पर लगाएं और बॉलर मांगो ताकि बचा के दें। इंशाल्लाह मैच देखते पहला पहले मैच का स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ओवर चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया, एक ओवर मिस कर रहा है नवीद भाई, हमेशा की तरह मिस करते हुए। और चौथा बॉल हम्मद का, अहमद कैच के नीचे और अहमद ने कैच पकड़ के कोई अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दिया। आने वाले बैट्समैन हबीब उल्ला, हबीब ने पहला बॉल खेला और ये 180 जाया करके आउट हो गए। आज हम आपको बताते चले हमारी टीम की शफलिंग हो चुकी है। एक टीम के कप्तान मुनीब अहमद कायम खानी, दूसरी टीम के कप्तान हारिस अहमद कायम खानी। तो कायम खानी ग्रुप इधर छाया हुआ, अवान ग्रुप को साइडलाइन कर दिया गया। नए आने वाले बॉलर हसन सेटिंग, पहली बॉल हसन सेटिंग की और मिठाई दी थी इनको कि आओ बेल मुझे मार, ये वाला सीन था। और ये एक बहुत अच्छा शॉट, बड़ी लेफ्टी की जानिब से 6 रन के लिए। अच्छा बॉल हसन सेटिंग का, अच्छा बॉल अंदर लाया की बार। दूसरा बॉल हम्मद बॉल करते हुए वलीद भाई को बॉल मार दिया आपकी बार। नए आने वाले बैट्समैन बिलाल द डिटेक्टर मुल्ला, पहला बॉल खेलते हुए सीधे बैट से रोका हम्मद, पांचवा गेंद गिराते हुए बिलाल भाई को। अच्छा शॉट बल्कि में रहमान ने सीधा कैच छोड़ा है, हाथों में खींचता। लास्ट बॉल हम्मद का और ये सीधे बैट से भी रोका फिर, लेकिन इस बार एक रन बन जाएगा। दूसरा बॉल जुनेश शाह का और एज लगाए और एहसन भाई पकड़ना नहीं चाह रहे थे कैच, लेकिन फिर भी पकड़ लिया। आने वाले बैट्समैन अदनान अवान, मोस्ट सीनियर खिलाड़ी संडे क्रिकेट के माने जाने बैट्समैन अदनान भाई फेस करेंगे जुनेद भाई को। जुनेश सर्जिकल, जुनेश शाह साहब तीसरा बॉल करेंगे अदनान भाई को। और अच्छा बॉल, तेज बॉल किया है, चेक किया है अदनान भाई को और उसी लेंथ पे बोल गया। चौथा बॉल जुनेश शाह साहब का और इस बार तो अच्छा शॉट लगा है, लेकिन मुनीब भाई के हाथों में गया है सीधा सेफ एंड। जुनेश शाह साहब आज बहुत अच्छी और तगड़ी गेंदे करते हुए, बहुत टाइट गेंदे। लास्ट बॉल जुनेश शाह साहब की स्लो वन डिलीवरी, अब की बार मुकम्मल बीट हुए और जुनेश शाह साहब का एक बेहतरीन ओवर, मेड इन ओवर, बिल्कुल कम्प्लीटली बीट कराया दोनों तीनों बैट्समैनों को जुनेश शाह साहब ने। दूसरा बॉल रहमान शॉट लगा 6 रन के लिए, खंबा तोड़ शॉट, इनका छक्के का नाम दिया खंबा तोड़ शॉट। तीसरा बॉल रहमान का काशिफ खटक को और अच्छा शॉट अब की बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव के लिए 4 रन के लिए। और चौथी बॉल रहमान की बॉल हो गए, सिलो वन डिलीवरी थी, छक्के वाला बॉल था, बिल्कुल रीड नहीं कर पाए, कम्प्लीटली बीट हुए और बोल्ड हो गए। नए आने वाले बैट्समैन हमजा, आपको बताते चले हम कि काफी संडे बाद इस क्रिकेट खेलने आए थे, बॉल की हार्ड बॉल क्रिकेट में खेल रहे थे और उस बीच इन्होंने बहुत लंबा एक छक्का मारा है, बहुत लंबा, बहुत उमदा, जहां से छोड़ के गए थे वहीं शुरू किया उन्होंने। लास्ट बॉल रहमान की, एक और बॉल, एक और 6, सेम रिजल्ट 6 रन। नहीं आने वाले बॉलर एहसन भाई, पहला बॉल रख के दिया है, बहुत अच्छा बॉल। तीसरा बॉल एहसन कायम खानी बिलाल अवान को करते हुए, अब की बार टांगों में शॉट बॉल किया था और उतना ही खूबसूरत छक्का मारा है बिलाल अवान ने, बहुत लंबा, बहुत उमदा, बहुत परफेक्ट टाइमिंग के साथ फ्लिक किया है 6 रन के लिए। एहसन कायम खानी का एक बार फुल टॉस बॉल किया है और जो बॉल को मिलना चाहिए था वो उन्होंने बख्शा है 6 रन के लिए। अब लास्ट बॉल एहसन कायम खानी करते हुए और ये अच्छा बॉल जुनेद भाई के सेफ एंड, सीधा हाथों में गेंद गया है और बिलाल अवान आउट हो गए। और दूसरा बॉल जुनेश शाह साहब का और इस बार एज लगा है शाहरुख भाई के हाथों में बॉल और आउट हो गए। और अहमद द व्लॉगर पहली बॉल खेलते हुए अपनी और डॉट बॉल, रेत भाई वापस आते हुए अपनी बॉलिंग पर
और आगे बढ़ के वाला गुड शॉट, और ये एक और डॉट बॉल, और एक और एग्रेसिव अप्रोच बॉलर की तरफ से। जुनेद भाई वापस आते हुए और बैक फुट पे जाके एक और डॉट बॉल, एक और अच्छा ओवर, साइड चेंज कर कर आते हुए शायद यहां से भी स्लो बॉल डालेंगे, एक और स्लो बॉल और एक और, दैट वाज अ क्लोज कॉल। साइड चेंज के साथ एहसन भाई आते हुए और एक और डॉट बॉल, मोस्ट प्रोबेबली एक और रन आउट, और ये बहुत अच्छा सिंगल एहसन भाई साइड चेंज के साथ, और ये बोल्ड कर दिया हारिस भाई को। एहसन भाई वापस बॉलिंग पर आते हुए जाजिब, और ये मोस्ट प्रोबेबली एक और कैच, और ये एक और कैच, वन मोर विकेट, और साइड चेंज नहीं हुआ। तीसरा बॉल कराते हुए रहमान अपना, और ये गुगली, और ये मिसफील्ड, एक और रन ऐड हमारी टीम में, 80 प्लस हो चुके हैं हमारा स्कोर। और ये फास्ट बॉलिंग पर आ गए एकदम स्पिन कराते कराते, अगर मिसफील्ड हुई तो चौका हो सकता है, और गुड फील्ड बाय राफे, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ये सिक्स, 13 आ चुका है, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल, वाइड बॉल खेलते हुए और एक रन ऐड कर दिया अपनी टीम, एक और रन लेने की कोशिश, और ये रन आउट, एंड ऑफ द इनिंग्स, एंड टोटल। तो भाई हमने 10 ओवर में 93 बनाए, 94 का टारगेट है, और जुनैद भाई ने बहुत अच्छी गेंदें की। जुनैद भाई हमारी तरफ आते हुए, 2 ओवर 2 मेड इन, बहुत बड़ी बात है इस रोड क्रिकेट पे, 2 ओवर 2 मेड इन करना है, बेहतरीन बल्ला भर रहे हैं। आपको खिलाई है, आपने अच्छी की, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को करे किसको भी करे, राफे भाई थक गए यार भाग भाग के आखिरी में, तो दूसरा मैच इनिंग देखेंगे इंशाल्लाह, हम लोग कोशिश करेंगे पहला मैच जीते ताकि राफे भाई को हराए। तीसरा बॉल वही दबाव स्ट्राइक पे मौजूद, फुल टॉस बॉल डिफेंड किया इस बार। चौथा बॉल वही दबाव संडे क्रिकेट की जान, और एक लापा चलाना चाह रहे थे लेकिन मिडिल नहीं कर पाए बॉल को। लास्ट बॉल और एक और जबरदस्त डिलीवरी, बेहतरीन फिलहाल का ओवर इफ्तिताम पजीर, बिंग करेंगे वही दवान को। पहला बॉल, पहला शॉट, अदनान भाई बॉल के नीचे मौजूद लेकिन हबीबुल्ला ने कैच पकड़ा है। दूसरा बॉल लता रहीम, पहले बॉल पे विकेट चटका चुके हैं, बेहतरीन डिलीवरी। पांचवा बॉल अता रहीम, और बोल्ड किया इस बार, क्लीन बोल्ड। मोइस कुरैशी पिच पे कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन टिप ढूंढ रहे हैं, टिप कहां पे खाई है। एमआर द वीलॉगर, नए आने वाले बॉलर, तीसरा ओवर टीम के लिए और अपना पहला ओवर करने के लिए तैयार। पहला बॉल, पहला शॉट, पहला छक्का, चौथा बॉल और एक और जबरदस्त डिलीवरी, गुड कमबैक आफ्टर अ ह्यूज सिक्स, और मिस फील्डिंग, फील्डर की जानिब से एक रन का इजाफा। लास्ट बॉल और जबरदस्त डिलीवरी, बेहतरीन ओवर आफ्टर अ ह्यूज सिक्स। हारिस 11 की पोजीशन स्ट्रॉन्ग 3 ओवर के अख्ताम पर, और जबरदस्त शॉट लेकिन दिशा गलत थी, और इसका खुमियाजा आउट। नए आने वाले बैट्समैन राफे, स्लोअर वन हमजा की जानिब से, बहुत अच्छी बॉल हमजा कर रहे हैं, हमजा स्लोअर वन, और एक बार फिर बहुत ही अच्छा बॉल हमजा की जानिब से, राफे बिल्कुल समझने से कासिर, 11 हमजा एक बार फिर, और एक बहुत अच्छा शॉट मुस्तफा थे, लेकिन मुस्तफा की रेंज से थोड़ा दूर था, वरना अगर इनके हाथ के करीब भी होता तो ये कैच पकड़ ही लेते, क्योंकि राफे का कैच था। अब बॉलिंग के ऊपर आते हुए मुस्तफा, जो के किलर कहलाते हैं, जो के राफे को हमेशा आउट करते आए हैं, 400 दफा आउट कर चुके हैं उनको। मुस्तफा एक बार फिर, अहमद को बॉल, और एक बार फिर विकेट लेने की बॉल, और हम एक और बॉल पे विकेट, विकेट टेकिंग बॉलर मुस्तफा, अहमद की विकेट लेने में कामयाब,
नए आने वाले बैट्समैन रहमान अवान फेस करेंगे मुस्तफा को। ये इनका सिग्नेचर शॉट है, इनको ढाके करते हैं तो ये अच्छा पिक कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा शॉट। रहमान अवान अब फेस करेंगे वो बैट्समैन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से मुस्तफा के खिलाफ सबसे खराब रहा है। और एक बार फिर मुस्तफा राफे को करेंगे बॉल, नहीं समझ पाए, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग बिलाल, फुल टॉस बॉल, लो बॉल हो सकता है, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया, नीचे ही बॉल था कह रहे हैं। बहुत अच्छा शॉट, बिलाल को रसीद किया रहमान ने। और एक और शॉट है, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट रहमान की जालिब से, जबरदस्त बैटिंग। क्या रहमान रहमान बिलाल को मार सकते हैं, बिलाल और एक और बॉल, एक और सिक्स, बहुत ही अच्छा शॉट, जबरदस्त हिटिंग रहमान रहमान। वो ओवर आता हुआ, बहुत देर से इंतजार था, बिलाल एक बार फिर रहमान रहमान को बॉल और ये बोल्ड कर दिया है। अहमर एक बार फिर बॉल करेंगे मुनीप भाई को, और मुनीप भाई भी हटके खेलना चाह रहे थे, और ये अहमर और ये और आता के हाथों कैच, बहुत अच्छी बॉलिंग अहमर कुरैशी की जानिब से, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। पहला बॉल एसन भाई फेस करते हुए अपना, और बॉल घुसते घुसते रह गई, बचत हो गई। राफे अब मुस्तफा की पांच बॉलें फेस करेंगे, राफे उस कैलिबर के बैट्समैन है, मुस्तफा को पांच बॉलों पे पांच छक्के मार सकते हैं, और हर छक्के पे ₹100 का इनाम है वहीद भाई की जानिब से राफे को। दूसरा बॉल मुस्तफा का, और बीट बहुत अच्छा लेंथ पे बॉल किया मुस्तफा ने, और राफे ने मुकम्मल बीट किया बॉल को। मुस्तफा टांगों से चल के हाथों से बॉल कराते हुए बहुत तेज, और ये हसन भाई ने बॉल सीधा खड़ा कर दिया, जानदेव भाई बॉल के नीचे देखते क्या होता है, लग नहीं रहा कैच होगा, और ये दो रन की कॉल, और दूसरा रन भी पूरा हुआ, दो बहुत अच्छे फील्डर खड़े हुए थे वहां पे मौजूद। मुस्तफा पांचवा बॉल करते हुए, चौथा बॉल सॉरी, और ये स्ट्रेट चौका, बहुत ही प्यारा बहुत ही तेज एसन भाई का स्ट्रेट फोर। मुस्तफा लास्ट बॉल करते हुए अपने एसन भाई को, और बहुत तेज शॉट, पक्का चार नहीं हुआ, और मुस्तफा ने अपने मुंह पे मार ली बॉल। एसन भाई फेस करते हुए, और बहुत अच्छा बॉल किया, चेंज ऑफ लाइन चेंज ऑफ लाइन चेंज ऑफ पेस पिछले ओवर्स के मुकाबले में, बहुत अच्छा बॉल, अच्छा ओवर करते हुए, और ये एसन भाई ने ₹180 का नुकसान करके टीम की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लास्ट बॉल हमजा का, और ये बहुत अच्छा दो रन के लिए शॉट खेला, और लग रहा है ये चार हो जाएगा, बहुत तेज बॉल जा रहा है, चौका राफे की जानिब से, तीन साल बाद राफे की जानिब से एक बाउंड्री आई है। लास्ट ओवर अदा करते हुए तकरीबन 28 रन चाहिए टीम मुनीप को जीतने के लिए। पहले बॉल पे बहुत अच्छा बॉल किया था ने, और बोल्ड, और राफे जो सुबह से खड़े हुए उनके लिए आवाज आई है कि चार बॉलों में चार छक्के चाहिए, राफे कैलिबर रखते हैं मारने का, लेकिन राफे का दिन नहीं लग रहा, देखते हैं राफे क्या कर सकते हैं, चार बॉलों में तीन छक्के भी, वहीद भाई ₹300 इनाम देंगे राफे को। अतः तीसरा बॉल करते हुए अपने, और ये राफे ने एक दफा फिर बीट कर दी जानजेब के हाथ में बॉल, राफे बाबर आजम बने हुए, सारे शॉट राफे के जानजेब के पास जा रहे हैं। आज चौथा बॉल अतः कर, और ये कैच आए औसाफ के पास, और औसाफ हैदर ने बहुत शानदार कैच ले लिया। इसी तरीके से टीम हारिस पहला मैच जीत चुकी है, पहली सीरीज का पहला मैच, सीजन का पहला मैच टीम हारिस ने जीत लिया है। नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली बहुत अच्छी और कॉम्प्रेसिव विक्ट्री हमने जीती है, और वन साइड मैच मारा तकरीबन 25-30 रन से हम लोगों ने इनको मैच मारा, 25 रन से बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ, हम लोगों की तरफ से बॉलिंग भी अच्छी हुई है, बस रहमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी लेकिन हमारे बॉलर ने कमबैक करा और विनिंग स्ट्रिक तैयार की। इंशाल्लाह आपको मैच देख के मज़ा आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें।